On behalf of the principal of Hindu College, Dr. Ranju Srivastav, I welcome Mr. Piyush Mishra. To the annual conclave, Vaktavya 2016. हमारे आज के मेहमान के व्यक्तित्व का परिचय एक पन्ने में देना ना ही संभव है ना ही सही होगा. A theater actor, music director, lyricist, singer, script writer, and so much more. He grew up in Gwalior and went to graduate from National School of Drama, after which he started his career in Hindi theater. आज जब हिंदी गीत मुन्नी शीला की बदनामी का मोहताज हो रखा है, वहीं एक बगल में चांद रख आबरू मचाते हुए दिखता है. इनकी कविताओं का एक अलग ही अंदाज है. इन्हें हमारे जमाने का दुष्यंत कुमार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा. इतना सब कहने के बावजूद इनकी शख्सियत का एक वाक्य में परिचय देना हो तो एक शेर याद आता है. हम अपने होने का कुछ यूं बता देते थे, राख मुट्ठी मर लेकर उड़ा देते थे. आइए देखते हैं कि इश्क को विस्की कहने वाले पीयूष मिश्रा अपने गीतों के अभिनय के द्वारा इस पागल सी दुनिया से क्या सवाल करते हैं. प्रेजेंटिंग द वन एंड ओनली मिस्टर पीयूष मिश्रा. अब ये यहाँ रखो. कुछ और इसको नीचे रख दूँ? रखो और ये वहाँ ले जाओ. नहीं उस पर है, ये इस पर है. हाँ लो लो, बैठ जाऊँगा बैठ जाऊँगा. चिंता मत करो, भागो ना यहाँ से. आवाज आ रही है भी? और इसकी 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 भी आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही इसकी, नहीं आ रही. अरे सुनो सुनो, हेलो. बिस्मिल्लाह करते हैं. अच्छा, अपने बारे में बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं, मैं जानता नहीं मैं कुछ भी अपने बारे में. तो खुद ही जो सवाल पूछोगे उसके माध्यम से मुझे भी अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा. और बिल्कुल ये मैं सोचना कि तुम्हारे बीच में कोई स्टार आ गया है, जो कि मैं हूँ नहीं. मैं मुझे बॉम्बे से निकलना बहुत अच्छा लगता है. इसलिए नहीं कि बॉम्बे ख़राब जगह है, इसलिए कि बॉम्बे से निकलने वो एक लगातार एक ही माहौल रहता है, सिनेमा सिनेमा सिनेमा. तो उससे और लोग जो है मस्त रहते होंगे, मैं तो नहीं रह पाता. मुझे बाहर निकलना, नए बच्चों से मिलना बड़ा मज़ा आता है. अब आ रही है बस इसकी हारमोन की. गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन कलाबों की दुनिया. गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन कलाबों की दुनिया. फैज़ फिराकों साहिर मखदूम, मीर की शौक के दागों की दुनिया.
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। उनके 26/11 याद रखना। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, कि रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। ये छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी संभालो ये दुनिया, कटपिट के रातों में पलने लगेगी संभालो ये दुनिया, और दुनिया वो कहे हैं कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी है, कि हम ही नहीं है वहां और भी है, हमारी हर एक बात होती वही है, हमें ऐतराज नहीं है कहीं भी, वालिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फलसफा ये बिगड़ जाता है जो वो कहते हैं, कि आलम ये कहता वह ईश्वर है, फाजिल ये कहता वह अल्लाह है, काबिल ये कहता वह ईसा है, मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। बुझते हुए चंद बासी चरागों तुम्हारे ये काले से ख्वाबों की दुनिया, हे और दुनिया और दुनिया और दुनिया। क्या सुनोगे? हाँ कुछ नहीं, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में गोरियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में गोरियां, हम चांद पे चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में छनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में उछरुलाती सिसकियां हो जाएंगी, हम सीपियों में, हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे, मोर सिसकियों को, मोर सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे, मोर सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में लोटियां, हम तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, कोई रोने आएगा, गम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी, याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी,
लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी, और कुछ हो जाएगी। होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि यही मर जाएंगे हम मौत को। हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, मोर होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे, मुरहूनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में बोरियां, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में बीच बीच में कुछ बातें भी करते रहेंगे, है ना। ये एक मेरी पोएट्री का कलेक्शन है, अभी ये 10 या 11 तारीख को लॉन्च हुआ है। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, तो ये जो है राजकमल ने बाहर स्टॉल में लगा हुआ है, जरूर खरीदो, 150 रुपए की किताब है। उसमें ये बहुत पहले एक फैज साहब करके हमारे फैज अहमद फैज, सबने नाम सुना होगा, सुना है ना, अरे सुना है कि नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा था, बहुत उन्होंने बड़ी उनकी खूबसूरत नज़म थी ये, कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। अच्छा, काम इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क में काम उलझता रहा। काम इश्क के आड़े आता रहा और कभी इश्क में काम उलझता रहा। आखिर में तंग आकर हमने दोनों का अधूरा छोड़ दिया। तो ये तो सकता नहीं हो, ये तो सकता नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता कि काम को तो पूरा अंजाम देना जरूरी है। और इश्क को जिसने बीच में छोड़ दिया यार, वो पापी है, है ना। और पापी आशिक से शर्मनाक दर्जा और कोई नहीं है। तो उनकी बात का जवाब नहीं, उनकी बात से इंस्पायर होकर मैंने ये किताब का नाम है कुछ इश्क किया कुछ काम किया, और उसकी पहली पोएट्री है, काफ़ी लंबी है। तो वो जो है मैंने उनकी बात से इंस्पिरेशन लेकर ये लिखी थी। गनीमत है मेरी बीवी यहाँ पर बैठी नहीं है, वरना उसको बहुत आपत्ति होती उसके पहले शेर। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, वो काम भला का काम हुआ। बड़ी मजेदार कविता है, मजे से सुन लो। वो काम भला का काम हुआ, वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो। वाह वाह देते रहो बे। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। तो वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरीखा हल्का हो, वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरीखा हल्का हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना दूर तहलका हो। कि मतलब अपने हिंदू कॉलेज में हो और उसकी आवाज़ पहुंचे आईपी कॉलेज तक। तो वो काम भला का काम हुआ जिसमें न जान रगड़ती हो, वो काम भला का काम हुआ जिसमें न जान रगड़ती हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें न बात बिगड़ती हो। और वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। और वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का,
वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना मौका सिस्की का। और ये थोड़ा सा गंभीर शेर है, वो काम भला का काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो, वो काम भला का काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसकी दरकार इजाजत हो। और आगे वाला शेर जरा मजेदार सा है कि वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठग ले वे। काम करने की पहली शर्त ईमानदारी होती है कि वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठग ले वे, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो कहे चूम और भगले वे। वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठगले वे, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो कहे चूम और भगले वे। वो काम भला का काम हुआ कि मजदूरी का धोखा हो, वो काम भला का काम हुआ कि मजदूरी का धोखा हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मजबूरी का मौका हो। और वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ठसक सिकंदर की, तली में होना चाहिए, वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ठसक सिकंदर की, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना ठरक हो अंदर की। और वो काम भला का काम हुआ, वो काम भला का काम हुआ, वो काम भला का काम हुआ, वो काम भला का काम हुआ जो कड़वी घूंट सरीखा हो। वो काम भला, किसने बोला वाह वाह? पहली बार किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, वाह वाह। वो काम भला का काम हुआ जो कड़वी घूंट सरीखा हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें सब कुछ ही मीठा हो। अच्छा, अगला शेर जो है जरा ध्यान से सुनना। वो काम भला का काम हुआ जो लब की मुस्का खोता हो, वो काम भला का काम हुआ जो लब की मुस्का खोता हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो सबके सुन के होता हो। वो काम भला का काम हुआ, वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ढेर पसीना हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो ना भीगा ना झीना हो। और अगले शेर में बड़ा मजा आएगा तुमको कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें लहू महकता हो, वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना लहू महकता हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो एक चुम्बन में थकता हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना लहू महकता हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो एक चुम्बन में थकता हो, और वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमरीका बाप बने, वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमरीका बाप बने, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो वियतनाम का शाप बने। वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमरीका बाप बने, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो वियतनाम का शाप बने, वो काम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भा जाए, वो काम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भा जाए, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो चबा मुशर्रफ खा जाए। और वो काम भला का काम हुआ जिसमें संसद की रंगरलियां, मोबाइल पर क्या दिख रहा था वो आपके, कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें संसद की रंगरलियां, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो रंगे गोधरा की गली, और वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेख आजाद ना हो, वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेख आजाद ना हो, वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेख आजाद ना हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। वो काम भला का काम हुआ कि पाक जुबां फरमान ना हो, वो काम भला का काम हुआ कि पाक जुबां फरमान ना हो,
और वो इश्क बला का इश्क हुआ जो गांधी का अरमान ना हो, और वो काम भला का काम हुआ कि खाद में नफरत बो दूं मैं, वो काम भला का काम हुआ कि खाद में नफरत बो दूं मैं, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि हसरत बोले रो दूं मैं, और वो काम भला का काम हुआ कि खट तसल्ली हो जाए, वो काम भला का काम हुआ कि खट तसल्ली हो जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि दिल ना टल्ली हो जाए। और वो काम भला का काम हुआ इंसान की नीयत ठंडी हो, वो काम भला का काम हुआ इंसान की नीयत ठंडी हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि जज्बातों में मंदी हो, और वो काम भला का काम हुआ कि किस्मत यार पटक मारे, वो काम भला का काम हुआ कि किस्मत यार पटक मारे, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि दिल ना मारे चटखारे। और ये भी बड़ा जरूरी शेर है कि वो काम भला का काम हुआ कि कहीं कोई भी तर्क नहीं, वो काम भला का काम हुआ कि कहीं कोई भी तर्क नहीं, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि कड़ी खीर में फर्क नहीं। और वो काम भला का काम हुआ चंगेज खान को छोड़ दें हम, चंगेज खान, वो डायर, नादिर शाह, ये सब जो हिस्टोरिकल विलेंस हैं, तो वो काम भला का काम हुआ चंगेज खान को छोड़ दें हम, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, वो काम भला का काम हुआ चंगेज खान को छोड़ दें हम, वो इश्क भला का इश्क हुआ एक और बाबरी तोड़ दें हम। और वो काम भला का काम हुआ जिसका सामा खुद बुश हो ले, वो काम भला का काम हुआ जिसका सामा खुद बुश हो ले, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो एटम बम से खुश हो ले। और आगे कहा है कि वो काम भला का काम हुआ जो दुबई फोन पे हो जाए, वो काम भला का काम हुआ जो दुबई फोन पे हो जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मुंबई आके खो जाए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या बॉम्बे में एक स्ट्रगलर्स नाम की कॉम होती है, स्ट्रगलर्स, तो स्ट्रगलर्स जो, जो, जो स्ट्रगलर्स की पहचान ये होती है कि वो अक्सर सुबह शाम आपको जिम में पाया जाता है, और वो छोड़ एक्टिंग के हर चीज़ पर काम करता है, फिल्म में एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करता है, और वो छोड़ एक्टिंग के हर चीज़ पर काम करता है, उसका मकसद खाली हीरो बनना है। तो वो काम भला का काम हुआ जो जिम के बिना अधूरा हो, वो काम भला का काम हुआ जो जिम के बिना अधूरा हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो हीरो बन के पूरा हो। और सुस्त होते हैं लोग, काफी सुस्त होते हैं लोग, खड़े होना नहीं जानते, वो काम भला का काम हुआ कि सुस्त जिंदगी हरी लगे, वो काम भला का काम हुआ कि सुस्त जिंदगी हरी लगे, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि लेडी मैकबेथ परी लगे। और आगे कहा है कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो, वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मजहब रंग और भाषा हो। और वो काम भला का काम हुआ जो ना अंदर की ख्वाहिश हो, वो काम भला का काम हुआ जो ना अंदर की ख्वाहिश हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो पब्लिक की फरमाइश। इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो शेर है उसके बारे में, यार तुम लोगों की जनरेशन ना साला वो पिटा हुआ आशिक पैदा होना बंद हो गया, पहले 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 वाकई कोई है यहां पर क्या? एक हमारे टाइम में क्या, सुनो, चुप। हमारे टाइम में एक फिनोमेनन हुआ करता था जिसका नाम था लुटा पिटा आशिक। वो मोहल्ले के, वो महानगरों की पैदाइश नहीं था, वो मोहल्ले की पैदाइश था, छोटे शहरों के मोहल्ले में दिख जाया करता था वो। अभी जो है आपके मतलब फटे हाल, दाढ़ी बड़ी हुई, यहाँ पर झोला, और अभी किसी पहाड़ी पर जाके मुकेश के गाने गाना शुरू कर देगा,
उसकी पहचान ये थी, और वो पूरे मोहल्ले में मतलब आपके 2 महीने के लिए आइटम आ जाया करता था कि बॉस देखो उसका दिल टूट गया, वो पिटा हुआ है, अलग दिखता था, अलग दिखता था। तो ये तुम्हारे जमाने में क्या ये ब्रेकअप और रिबाउंड और तुमने खोज लिया सलाह? हाँ तो ये सब तुम्हारे जमाने में इतना जल्दी होने लगा है कि आज ब्रेकअप हो गया, कल फिर कुछ मेकअप हो गया, फिर ब्रेकअप हो गया। तो उसमें क्या होता है? नहीं, उसमें क्या होता है कि इश्क करने का जो मजा होता है ना, वो चला जाता है। अब पहले हमारे जमाने में क्या था कि हमने, अरे तुमने कभी हाथ से खत लिखा है? बहुत यार झूठ मत बोलो, हाथ से खत लिखना मतलब वो जो पिक्चर में बोला करते हैं ना कि अपना कलेजा निकाल के रख दिया, वो एक्चुअली रख दिया करते थे। अच्छा ये अब छोड़ो, तुमने कभी खून से खत लिखा है? हमने लिखा है। नहीं सच में हमने लिखा है। हम ओल्ड दिल्ली में बहुत बड़ा चलन है, बड़ा प्रचलन है खून से खत लिखना। आप कसाई की दुकान पे बैठ जाओ, बोलो कि गोश्त तू रख ले, खून हमें दे दे कटोरा रख के। हाँ, और आप मतलब DNA टेस्ट करवा लो, खून ही निकलेगा वो। अब माशूक के पास इतना टाइम कहाँ पर है कि वो चेक करवाए कि साला ये फॉरेंसिक लैब में कभी इंसान का है कि भेड़ का है, बकरे का है। तो ये था, ये अगला शेर इसी पर है कि वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो, वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना चिट्ठी ना खत हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें सरकार हजूरी हो, वो काम भला का काम हुआ जिसमें सरकार हजूरी हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ललकार जरूरी हो। और वो काम भला का काम हुआ जो नहीं अकेले दम पे हो, वो काम भला का काम हुआ जो नहीं अकेले दम पे हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो खत्म एक चुंबन पे हो। वो काम भला का काम हुआ कि हाय जकड़ गई उंगली बस, वो काम भला का काम हुआ कि हाय जकड़ गई उंगली बस, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि हाय पकड़ ली उंगली बस। वो काम भला का काम हुआ कि मनोबासी मल्दी हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें जल्दी ही जल्दी हो। और वो काम भला का काम हुआ जो ना साल आनंद से हो, वो काम भला का काम हुआ जो ना साला आनंद से हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो नहीं विवेकानंद से हो। अच्छा एक वो काम भला का काम हुआ कि आदम बोले मैं ऊंचा, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि हवा के घर में सूखा। और ये एक ब्रांडो साहब गॉडफादर देखी होगी सब लोगों ने, है ना, बहुत ही बड़ा एक्टर था वो। काम ये सारे के सारे मेरे उस पर हैं बॉम्बे और एक्टिंग पर, ये 3-4 शेर बचे हैं कि वो काम भला का काम हुआ कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मार्लन ब्रांडो भूल के हो। और एक शेर जॉन अब्राहम के नाम पर कि वो काम भला का काम हुआ परफॉर्मेंस अपने बाप का घर, काम भला का काम हुआ परफॉर्मेंस अपने बाप का घर, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि मॉडल बोले मैं एक्टर। अभी एक अच्छी बात ये हुई है कि तुम्हारे प्रिंसिपल साहिबा चली गई थोड़ी देर के लिए, तो मुझे वाकई सहज झिझक होती उनके सामने बोलने में। यार 2 शेर बचे हुए हैं और दोनों सेंसर्ड शेर हैं, इसमें हाँ सुनाओ। तो इसमें क्या है एक तो शेर है बॉम्बे की जिंदगी पर, अरे सुन लो ना,
एक शहर है बॉम्बे, बॉम्बे में क्या होता है कि इतने मसरूफ रहते हैं, इतनी वो पूरा शहर जो है बॉम्बे की जिंदगी को समेट लेता है, बॉम्बे जो है वो दिख जाता है, बॉम्बे गंदा भी है अच्छा भी है, तो उसमें क्या अंदर वो पॉटी में घुसते हैं और कंप्यूटर खोल लेते हैं, लैपटॉप खोल लेते हैं, इतना बिजी जिंदगी है वहाँ की। यार बोलने में थोड़ी झेक हो रही है, वो काम भला का काम हुआ, वो काम भला का काम हुआ कि टट्टी में भी फैक्स मिले। वो काम भला का काम हुआ कि टट्टी में भी फैक्स मिले, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि भट्टी में भी सेक्स मिले। अभी इसका आखिरी शेर है, लास्ट शेर है। वहां पर जो है अंग्रेजी थिएटर नाम की एक चीज है, स्टीफन जो भी होगी, अंग्रेजी थिएटर इंग्लिश थिएटर जो है वहां पर जो करते हैं लोग, सब नहीं लेकिन कुछ एक लोग जो वहां पर दो तीन प्लेस करने के बाद में सब समझते हैं अपने आप को रॉबर्ट डी नीरो। दो तीन प्लेस करने के बाद में दे डिस्कस एक्टिंग, ऐसे होती है वैसे होती है, और वो मैंने अपनी आंखों से देखा, नाम ले लूंगा, बड़ा स्टार है वो, डायरेक्टर बोल रहा है भैया लाइट जा रही है यार, लाइट जा रही है, अरे नहीं बॉस मेरा मोटिवेशन क्या है, ये क्या है, कैसे करूं उसको मैं, हाँ उसे खाली हाँ बोल के निकल जाना है वहाँ से, लेकिन वो हाँ बोलने के लिए 50 मोटिवेशन, क्योंकि उसने अंग्रेजी थिएटर कर रखा है। तो वो काम भला का काम हुआ, हर एक बॉब डी नीरो हो, रॉबर्ट डी नीरो। ये आखिरी शेर है तो उतना ही वजनी भी होना चाहिए ना। वो काम भला का काम हुआ, हर एक बॉब डी नीरो हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि निपट चूतिया हीरो हो। अरे नहीं ये अबे वंस मोर थोड़ी होती है, ये पागल हो, ये अगली बार जब आएंगे तब तो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के जिंद भाग जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हुदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हुदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर लगा रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो, जीनगों में आज भीगती मसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड मन करे जो प्राण ले जो मन करे तो प्राण दे वही तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है,
औरों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण भे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। क्या ना कि पहले बोले कि बात करो, पहले बोले कि बात करो, जो बात करी तो बिगड़ गए। पहले बोले कि बात करो, जो बात करी तो बिगड़ गए। तो क्यों बोला कि बात करो? पहले बोले कि बात करो, जो बात करी तो बिगड़ गए। तो क्यों बोला कि बात करो? मैंने कब बोला? मुकर गए। पहले बोले कि बात करो, जो बात करी तो बिगड़ गए। तो क्यों बोला कि बात करो? मैंने कब बोला? मुकर गए। फिर खुद ही बोले साथ चलो, फिर खुद ही बोले साथ चलो, मैं साथ चला तो पिछड़ गए। फिर खुद ही बोले साथ चलो, मैं साथ चला तो पिछड़ गए। फिर थक के बोले रुको जरा, फिर थक के बोले रुको जरा, मैं अच्छा बोला अकड़ गए। फिर खुद ही बोले साथ चलो, जो साथ चला तो पिछड़ गए। फिर थक के बोले रुको जरा, मैं अच्छा बोला अकड़ गए। ये अच्छा क्यों बोल रहे, ये अच्छा क्यों बोल रहे? तो क्या बोलूं, वो झगड़ गए। ये अच्छा क्यों बोल रहे, तो क्या बोलूं, वो झगड़ गए। मैं हुआ परेशान यार चलें, मैं हुआ परेशान यार चलें, वो वहीं पे गड़ के ठहर गए। मैं झल्ला करके भाग लिया, वो चीख पड़े कि किधर गए। मैं झल्ला करके भाग लिया, वो चीख पड़े कि किधर गए। और मैं बाल नोच के वहीं मरा, वो बोले साले गुजर गए। ये बड़ा पुराना गाना है, 1998 का। इसके पीछे ये सारे गाने जो हैं, मेरे सॉन्ग्स जो हैं, ये खाली मजे के लिए, तो अब क्या घोषणा है या घर है, ये जो गाने गाए हैं ये थोड़े से अलग इसलिए पड़ जाते हैं कि ये खाली मौज मजे के लिए नहीं बनाए गए। इसके पीछे कुछ ना कुछ देश में हो रहा था, कोई ना कोई हलचल हो रही थी पॉलिटिकली सोशली, तो उसमें ये लिखे गए थे। तो ऐसी एक प्ले था महानिर्वाण, रॉस्टर नेबल उसको डायरेक्ट कर रहा था, मैं तब उसका लिरिक्स और म्यूजिक मैंने किए थे। तो 1998 में हुआ था। तो 1998 में बहुत सारी हैपनिंग्स हुई थी जिसके लिए 1998 जाना जाता है। पहली मरतबा बीजेपी सरकार ने स्मोकिंग पर बैन लगाया था दिल्ली में, दिल्ली में स्मोकिंग बैन हो गई। पहली बार फिजाओं में एक गाना आया था जिसने कि हिंदुस्तान में गालियों के चलन को शुरू किया था, उसका नाम था माका दीना। तुम्हें याद होगा मेरे माका दीना, ऐसा कुछ था गाना, है ना। पहली मरतबा आपके पाकिस्तान में परवेज इसकी पर, प, 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 इसकी क्या नाम है, नवाज शरीफ की सरकार आई थी। पहली मरतबा तहरीक इस्लाम बनी थी इनकी, इमरान खान की, और इमरान खान बहुत बुरी तरीके से हारे थे। अच्छा, हिंदुस्तान में जो है आपके मतलब एक चलन चला था कि सरकारें बनाते हैं, मिली जुली सरकार का चलन चला था, मिली जुली सरकार बनाते हैं, मतलब गठबंधन ही गठबंधन हो रहे थे, है ना। और मतलब आज बनती थी कल टूट जाया करती थी, इस तरह का हाल था यहाँ पर, है ना। तो ये तो हो गया इसका सोशियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद में ये प्ले था महानिर्वाण, इसमें जो है इसका जो पूरी कोशिश है, इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट था जिसका नाम था भाऊ, उस भाऊ को सुबह 4 बजे उठाने की कोशिश हो रही है बतलाते हुए कि ये इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो जाग जा, तो जाग जा। तो ये मेरी शुरू से आदत थी कि इसमें थिएटर के पहले यूजुअली एक गणेश वंदना की जाती है, यूजुअली चलन होता है। तो गणेश वंदना हमने ऐसे की थी, ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख,
ये भोर का जो वक्त है कि जैसे गंगा थी, ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख, कि ये भोर का जो वक्त है कि जैसे गंगा थी, ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख, कि ये भोर का जो वक्त है कि जैसे गंगा तीर। आहा क्या परम आनंद आता मीठी मीठी पीर, आहा क्या परम आनंद आता मीठी मीठी पीर, जैसे चिल्ड बियर खेच कर कोई खेच ठंडी खीर। ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख, कि ये भोर का जो वक्त है कि जैसे गंगा तीर। हाँ ये वक्त होता है जरा, हाँ ये वक्त होता है जरा थोड़ा सा रिस्की सा, मगर अगर उठ पड़ो तो है कि जैसे हाफ विस्की सा। ये वक्त होता है जरा थोड़ा सा रिस्की सा, मगर अगर उठ पड़ो तो है कि जैसे हाफ विस्की सा, कि जो भी ना पिए वो मिस करे और जो पिए गंभीर, कि जो भी ना पिए वो मिस करे और जो पिए गंभीर, साला ना उठे तो है हरामी जो उठे सोवीर। ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख, कि ये भोर का जो वक्त है कि जैसे गंगा तीर। इसके बाद में भाव को उठाने के प्रयत्न होते हैं। भाव, ए उठ जा भाव, अरे उठ जा भाऊ, रे उठ जा रे भोर हो गई, हे उठ जा भाऊ, रे उठ जा रे भोर हो गई, के उठ जा भाऊ, रे उठ जा साले भोर हो गई, के उठ जा भाऊ, रे उठ जा साले भोर हो गई, अरे मुर्गी भी अब बांग मार के भोर हो गई, कि उड़ जा भाऊ, रे उड़ जा साले भोर हो गई, अरे मुर्गी भी अब बांग मार के भोर हो गई, कि उड़ जा भाऊ के नल के साले चले जाएंगे, और फिर उड़ जा भाऊ के नल के साले चले जाएंगे, और फिर पानी भर के क्या तेरे बाप लाएंगे, कि उड़ जा भाऊ, रे माँ का दीना गाना आया, उड़ जा भाऊ, रे माँ का दीना गाना आया, हाय रे सुर में गाली देने का मौसम लाया, के उड़ जा भाऊ, दिल्ली में स्मोकिंग बैन हो गई, के उड़ जा भाऊ, दिल्ली में स्मोकिंग बैन हो गई, के उड़ जा भाऊ, संसद में फिरमा बैन हो गई, के उड़ जा भाऊ, दिल्ली में स्मोकिंग बैन हो गई, कि उड़ जा भाऊ, संसद में फिर माँ बहन हो गई, उड़ जा भाऊ, उड़ जा भाऊ, उड़ जा भाऊ, उड़ जा भाऊ, साले उठता है कि पिछवाड़े पे लात मार के खड़ा करूं, उठता है कि पिछवाड़े पे लात मार के खड़ा करूं, यूं सुबह सवेरे काहे पंगा करता है वे, जरा तू देख के तेरी जोरू कैसे बंठन के है खड़ी के जिसपे खुदा कसम चौथाई मोहल्ला मरता है वे, जरा तू देख के तेरी जोरू कैसे बंठन के है खड़ी के जिसपे खुदा कतम चौथाई मोहल्ला मरता है वे, कि उड़ जा भाऊ के पाकिस्तान शरीफ हो गया, उड़ जा भाऊ के पाकिस्तान शरीफ हो गया, मर इमरान खान जैसा जीरो पे बीट हो गया, उड़ जा भाऊ के घोटालों का सीजन आया, और घोटालों में भी कैसा कंपटीशन आया, ए उड़ जा भाऊ के सुखी सवेरा निकल जाए, उड़ जा इससे पहले कहीं मिनिस्ट्री बदल न जाए,
अब ये जो है जितनी भी नहीं, सुनो, इतना ऐसा ये यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं और ये सभी लड़कियाँ जो है कभी ना कभी 5 साल की भी रही होंगी, 5 साल ये इसका शीर्षक ही है। बहुत मजाक करने में कोई टेंशन नहीं है, मैं बड़ा मज़ेदार आदमी हूँ, लेकिन इसके साथ ही जो है मुझे लगता है कि कई बार गंभीर बातें भी कर लेनी चाहिए। इसके शीर्षक है 5 साल की बच्ची और रेप। इसको मतलब आज की तारीख में शर्म आती है कई बार अपने आप को मर्द कहते हुए, 5 साल की बच्ची और रेप। तो ये ऐसे बोलती हैं कि क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। क्यों आते हो अंकल? चुप, क्वाइट। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। जब शाम ये गहरी आती है मैं चौंक चौंक से जाती हूँ, फिर सहम सिकुड़ के सिहर सिहर के टांगों को यूं आपस में ही जोड़ जाड़ के जकड़ जकड़ के बैठी सीधे जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। फिर आँखों को यूं मीच माच के पेशानी पे आई पसीना बूंदों को मैं पिघला करके पूंछ पाँच के हिलक हिलक के हिच हिच रो जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। उस बंद पलक के उबले आंसू हाय सशक्ति डबडब को मैं कोशिश करके रुका रुका के हलक से निकली खौफजदा उस चीख को ऐसे दबा दबा के डहती डहती जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। कि डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। तुम चचाजाद हो या मामा या ताऊ के छोटे भाई हो, अम्मा हंस के कल बोल रही थी उनके दूर जमाई हो। तुम जहर जलेबी लाते हो, मैं खा तो उसको जाती हूँ पर गाल पे मसले नाखूनों की टीस को यूं ही भींच भांच के रोती सी रह जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। अंकल बस इतना ध्यान करो कि कहीं तुम्हारे घर में भी एक छोटी सी बच्ची होगी जो नहीं सहन कर पाएगी जो मेरे साथ में करते हो। अंकल बस इतना ध्यान करो, मैं उतनी ही छोटी सी हूँ जिसपे मर्दाना छाप लगा के मर्द नाम दम भरते हो। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। नो क्लैपिंग, कोई जरूरत नहीं यार, कोई जरूरत नहीं है इस पर क्लैपिंग, जरूरत नहीं है। एक और मैं सुनाऊंगा, एक चीज़ है। ये जग जाहिर है आपके कि मुझे शराबियत मेरी इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था उसमें, मतलब कैसे ठीक हुआ मुझे मालूम नहीं। अब भी पीता हूँ लेकिन आपके वो तो अल्कोहलिज्म का दौर था जब हर चीज़ स्टेक पर लगा कर मैं पीता था। थोड़ा सा ये बात भी कर लें, हम बहुत हंस लिए। तो शराब नहीं, शराबियत यानी अल्कोहलिज्म इस चीज़ का नाम है कि ये एक मेडिकल बीमारी, 1-303 इसका नंबर होता है। और अगर आज गूगल करोगे WHO के हिसाब से ये सबसे ख़तरनाक बीमारी है। एक बार लग जाए और 100 में से 20 लोगों को लगती है, ये एवरेज चल रहा है। यू कांट स्टॉप ड्रिंकिंग, आप नहीं चाहोगे तब भी आपको पीनी पड़ेगी। और सोशल बीमारी है, किसी के आप सिंपैथी नहीं हो। तो ये वो दास्तान है जो मैं एक्चुअली था कभी 2005 के पहले, मैं ऐसा ही था। अभी आप मुझे बुला रहे हो लेकिन शायद उस वक्त सहन भी नहीं कर पाते, मेरे पास कोई बैठ भी नहीं पाता, इतना बदतमीज, इतना उजड, इतना इमोरल आदमी था मैं। आदत जिसको समझी हो वो मर्ज कभी बन जाएगा। फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। जो बूंद कहीं बोतल की थी तो साथ वहीं दो पल का था, फिर पता नहीं कब दो पल का वो साथ सदी में बदल गया। हम चुप बैठ के सुन्न गुजरते लम्हे को न समझ सके वो कब भीगी उन पलकों की उस सुर्ख नमी में बदल गया। और नींद न जाने कहाँ गई उन सहमी सिकुड़ी रातों में हम सन्नाटे को चीख राख से भरा अंधेरा तकते थे, फिर सहर सहर फिर कांप कांप के थाम कर ले जा हाथों में जिसको न वापस आना था वो गया सवेरा तकते थे। जिसको समझे हो तुम मजाक वो दर्द कभी बन जाएगा, फिर दर्द की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। मेरे पास जब बंदे आया करते थे ये उस कटफट के हम बिखर चुके थे जब तुम आए थे भाई, और सभी रास्ते गुजर चुके थे जब तुम आए थे भाई। वो दौर ना तुमने देखा था, वो किस्से ना सुन पाए थे जिस दौर की आंधी काली थी, जिस दौर के काले साए थे। उस दौर नशे में जहन था, उस दौर नशे में ये मन था, उस दौर पेशानी गीली थी, उस दौर पसीने में तन था, उस दौर में सपने डर लाते, उस दौर दोपहरी सन्नाटा, उस दौर सभी कुछ था भाई, और सच बोले कुछ भी ना था।
नरम सुरीला नगमा कड़वी तर्ज कभी बन जाएगा, फिर तर्ज की आदत पड़ जाएगी। अर्ज ना कुछ कर पाओगे, अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। और उस दौर से पहले दौर रहा जब साथ जिंदगी रहती थी, वो दौर बड़ा पुरजोर रहा जब साथ बंदगी रहती थी, जब साथ कह कहूं का होता, जब बात लतीफों की होती और शाम महकते ख्वाबों की और रात हसीनों की होती, जब कहे नाजनी बोलो साजन कौन पहर को आऊं मैं, और हुस्न कहे कि तू मेरा और तेरा ही हो जाऊं, बस मैं पागल ना समझ सका किस और तरफ को जाना है, बस जाम ने खींचा वो तो लितराई कि तुझको आना है, ना मैं खाने की ओर चला ये भूल के पीछे क्या होता, एक नन्ना बचपन सुन हिचकियां अटक अटक के जा रोता, एक भरी जवानी कसक मार के चुप चुप बैठी रहती है और खामोशी से खा लेना कुछ नमाखों से कहती है। उन सहमी सिसकी रातों को मैं कभी नहीं ना समझ सका, उन पल्लू ठूसी फपक फपकती बातों में नटक सका, ये कभी कभार का काम अटूटा फर्ज कभी बन जाएगा, फिर फर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओ। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। और ये आखिरी का शेर है कि वो पछतावे के आंसू भी मैं साथ नहीं ला पाया था, उन जले पुलों की क्या बोलूं जो जला जला के आया था, वो बोले थे कि देखो इसको जर्द सर्द इंसान है ये, एक जिंदा दिल तबीयत में बैठा मुर्दा दिल हैवान है, मैं शर्मसार तो क्या होता, मैं शर्म जला के आया था, उस सुर्ख जाम को सुर्ख लार में नहला करके आया था, मैं आंख की लाली साथ लहू मदहोश कहीं पर रहता था, खूंखार चुटकुले तंज लतीफे बना बना के कहता था। ये दर्द को सहने का झूठा हमदर्द कभी बन जाएगा, हमदर्द की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। हो गया टाइम मेरे ख्याल से, ये आखिरी गाते हैं उसके बाद हुस्ना, हुस्ना यार मैं कभी पता नहीं क्या बात है उस रिकॉर्डिंग के अलावा मैं हुस्ना कभी ढंग से गा नहीं पाता, आज फिर ट्राई करते हैं, बस इसके बाद में खत्म करते हैं, आवाज भी थक रही है। परगना में पहुंचे रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे, कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे, लिखता हूं खत में हिंदोस्ता से पहलुए हुस्ना में पहुंचे, ओ हुस्ना कि मैं तो हूं बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया, हूं पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी खोया, उनके पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में बातें तुम्हारी बोले, होता उजाला हिंदोस्तां में यादें तुम्हारी बोले, हुस्ना मेरी ये तो बता दो
होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तान में रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहां ओ हुस्ना उनके पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में वैसे ही जैसे झड़ते यहां ओ हुस्ना ये होता उजाला क्या वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में ओ हुस्ना वो हीर के रांझो किन्नगम अब तक आके सताए वो बुल्ले शाह की तकरीरों के जीने जीने साए वो ईद की दी लंबी नमाज सेवैयों की झाल वो दिवाली के दिए संग में बैसाखी के बादल लोड़ी की वो लकड़ी जिनमें संग संग आँच लगाई होली का वो धुआं जिसमें धड़कन है सुलगाई यूं हुस्ना मेरी ये तो बता दो लोड़ी का धुआं अब भी निकलता है जैसा निकलता था उस दौर में वहां वो हुस्ना के हीरों के राजों के नगमे के अब भी सुने जाते हैं हाँ वहां वो हुस्ना और रोता है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान बिता लेते हैं हाँ अब आगे मिलेंगे कभी तो नहीं यार अब एक घंटा एक नहीं एक घंटा बहुत होता चल चल सर आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज डॉक्टर रामेश्वर राय टू प्रेजेंट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू आवर गेस्ट ऑफ ऑनर ये इश्क किया कुछ काम किया बाहर स्टॉल लगा हुआ है इसका राज कमल का तो कोशिश करना कि खरीद सकते आई वुड लाइक टू थैंक यू सर for honoring the stage with your presence. You have been a great audience. This concludes the annual conclave Vaktavya 2016.